वेलकम टू इजी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आयन इक्विलिब्रिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों आज हम पैराग्राफ नंबर 3.9.3 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए, हेडिंग देखिए, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन कब तैयार होगा, उसके क्या कंडीशंस है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है ये हमको देखना पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन ये वर्ड आया है प्रेसिपिटेट से, तो प्रेसिपिटेट किसे कहा जाता है ये पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे, आप ध्यान से देखिए। एक आपने टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर लिया और उसमें आपने NaCl ऐड किया, सोडियम क्लोराइड। कितना लिया आपने NaCl? सपोज आपने 1 ग्राम NaCl लिया है, ठीक है। तो ये NaCl आपने इस वाटर में डिसॉल्व किया और इस टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह स्टर किया और जिसकी वजह से आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। और सॉल्यूशन का नाम क्या है बच्चों? NaCl सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में दो आयंस यहाँ पर रहेंगे। कौन कौन से आयंस रहेंगे सॉल्यूशन में? Na पॉजिटिव यानी कि कैटायन, और दूसरा क्या रहेगा? Cl नेगेटिव। ओके, तो ये दोनों आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सॉरी आयोनिक प्रोडक्ट बोलेंगे सिर्फ खाली, यहाँ पर वाटर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट। किसका आयोनिक प्रोडक्ट है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों का आयोनिक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? Na पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पर इस सोल्यूशन में जो मौजूद कॉन्सेंट्रेशन है इसकी बात हम कर रहे हैं। अब सपोज मैंने इसमें और एक केमिकल डाल दिया। कौन सा केमिकल डाला? सपोज मैंने AgNO3 डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट। तो अब क्या होगा बच्चों? ये जो क्लियर सॉल्यूशन था पहले सोडियम क्लोराइड का, उसमें आपको प्रेसिपिटेट नजर आएगा। अब प्रेसिपिटेट दिखता कैसे है देखिए, आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से पहले जो क्लियर सॉल्यूशन था उसके अंदर आपको इस तरह से प्रेसिपिटेट नजर आएगा। तो ये प्रेसिपिटेट बच्चों क्या होता है? सॉलिड होता है। और ये कब मिलता है? रिएक्शन के बाद मिलता है। रिएक्शन होने से पहले आपको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला था यहाँ पर, जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट के उसमें 3 से 4 ड्रॉप डाले, तो आपको इस तरह से ये सॉलिड और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। वाइट कलर का रहेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा यहाँ। तो प्रेसिपिटेट के कलर अलग अलग होते हैं, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन की वजह से और रिएक्शन होने के बाद मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट कभी भी रिएक्शन के स्टार्ट में नहीं मिलता है, रिएक्शन होने से पहले कभी भी नहीं मिलेगा, ये आप हमेशा के लिए याद रखिए। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है बच्चों कि जब आपने NaCl के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डाला तो क्या रिएक्शन हुई होगी? वो रिएक्शन को हमको समझना ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर रिएक्शन को हम पहले समझ लेंगे कि NaCl इसकी रिएक्शन हो रही है इसके साथ, AgNO3 के साथ। और आपको क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ पर Ag ये Cl से कंबाइन होगा और AgCl मिलेगा, और NO3 ये Na से कंबाइन होगा और आपको NaNO3 मिलेगा।
तो यहाँ पर AgCl का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि सिल्वर क्लोराइड का AgCl का प्रेसिपिटेट रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये प्रेसिपिटेट क्यों मिला, कैसे मिला, क्या रीज़न है इसका, ठीक है। तो ये इसके बारे में इस पैराग्राफ में आ गया है। तो बच्चों अब इस सॉल्यूशन में जैसे ही आपने AgNO3 डाला तो पहले से ही उस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मौजूद थे। जैसे ही आपने उसमें AgNO3 डाला तो उसमें कौन से आयंस तैयार हो गए बच्चों, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये आयंस मिल गए। तो इस सॉल्यूशन में AgNO3 डालने के बाद चार टाइप के आयंस मौजूद है, कौन कौन से हैं, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव जो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन AgNO3 डालने की वजह से और दो नए आयंस आ गए, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो अब होगा क्या बच्चों यहाँ पर, कि जैसे ही आप Ag पॉजिटिव ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जब AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पर होगा क्या बच्चों कि Ag पॉजिटिव, थोड़ा मैं इसको रब आउट करता हूँ, होगा क्या बच्चों यहाँ पर कि Ag पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, तो ये प्रोडक्ट किसका है, आयंस का है, तो इसको आयोनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आयोनिक प्रोडक्ट जो है ये इस तरह से होता है। तो आयोनिक प्रोडक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में IP लिखते हैं। तो आयोनिक प्रोडक्ट और कुछ नहीं बल्कि ये प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, समझ में आ रही है बात आपको। तो अब प्रेसिपिटेट कब मिलेगा ये हमको देखना है, तो इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। तो पहले हम ये पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, आयोनिक प्रोडक्ट यानी कि IP ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP, यानी इसकी डेफिनेशन भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जैसी ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। अब वो थोड़ा सा फर्क क्या है देखेंगे हम। द ओनली डिफरेंस इज दैट द आयोनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अंडर एनी कंडीशन। बच्चों ये Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किसी भी कंडीशन में आप इसको लिख सकते हैं। मतलब कहने का कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम नहीं भी आता है तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वेयर एज एक्सप्रेशन ऑफ KSP कंटेन्स ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों मैं यहाँ पर और एक इक्वेशन लिखता हूँ, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट बोलने के बजाय KSP बोलेंगे। तो अब ये दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों, आयोनिक प्रोडक्ट जो है ये वैल्यू वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है, ये वेरिएबल वैल्यू है, लेकिन KSP की वैल्यू ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी बच्चों, ये वेरिएबल नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि Ag पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ये एनी कंडीशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बल्कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन का कॉन्सेंट्रेशन है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस हो गया, उस वक्त यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की हालत तैयार हुई उस हालत में ये कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप हमेशा के लिए याद रखिए कि KSP के एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, और आयोनिक प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं ये
एनी कंडीशन के है, यानी वो इक्विलिब्रियम के भी हो सकते हैं और नॉन इक्विलिब्रियम के भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमको यही स्टडी यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन दिए गए हैं, पहले कंडीशन ए है, उसके बाद कंडीशन बी है और उसके बाद कंडीशन सी है। तो कंडीशन ए क्या है ज़रा देख लेते हैं हम। देखिए आई पी का मतलब आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू के एस पी। तो यहाँ पर आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये उसका मतलब हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, सैचुरेटेड होता है, याद रखिए। और सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा और आगे क्या लिखा है, एंड सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो वहाँ पर उस सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम मौजूद रहेगा, ठीक है। और सबसे अहम बात कि ऐसे सॉल्यूशन में आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो पीपीटी, यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए अगली कंडीशन देखते हैं, कंडीशन बी, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, एंड हैंस प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंपाउंड विल ऑकर, यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। तो बच्चों प्रेसिपिटेट कौन से सॉल्यूशन से मिलता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मिलता है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मिलता है? सही जवाब क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मिलता है। और एक लास्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे क्या होगी, कि जब आईपी यानी आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ये केएसपी यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू के मुकाबले में कम रहेगी, तो फिर सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा। ओके देखिए सॉल्यूशन ना तो सैचुरेटेड भी नहीं रहेगा और सुपर सैचुरेटेड भी नहीं रहेगा, बल्कि वो अनसैचुरेटेड रहेगा, एंड प्रेसिपिटेशन विल नॉट ऑकर, यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने अभी जो एग्जांपल आपको बताई यहाँ पर, इस एग्जांपल में टेस्ट ट्यूब में कैसा सॉल्यूशन था, सैचुरेटेड था कि सुपर सैचुरेटेड था कि अनसैचुरेटेड था, वेरी गुड, सुपर सैचुरेटेड था, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, और इसका सबूत यह है कि आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिला है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरह से ये तीन कंडीशंस आप याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहली कंडीशन, जब आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है और कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। सेकंड कंडीशन, जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है और ऐसे सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट तैयार होता है। और थर्ड कंडीशन, इफ़ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो उस वक्त क्या होगा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा और ऐसे सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हासिल नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।